सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, अगेन हम अपना सेशन कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, कल मैंने एक क्वेश्चन आपको कराना भूल गया था जो काफ़ी हद तक इम्पोर्टेंट था, और वो मतलब उस टाइप के क्वेश्चन कई बार मतलब पूछे गए भी हैं। तो एक क्वेश्चन और रहेंगे हमारा बोर्स मॉडल पे, और उसके बाद फिर हम अगेन कंटिन्यू करेंगे अपना सेशन आयनाइजेशन एनर्जी से। ठीक है, तो जो अपना क्वेश्चन जो था वो इस तरीके से था कि सपोज करिए आपका दिया हुआ है, जस्ट अ मिनट, सॉरी, राइट। और क्वेश्चन इज दैट, क्वेश्चन वन, अ गैस एमिट्स अ रेडिएशन, ए गैस एमिट्स अ रेडिएशन, ए गैस एमिट्स अ रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ, रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ 460 आर्मस्ट्रॉन्ग, 828 आर्मस्ट्रॉन्ग एंड 1035 आर्मस्ट्रॉन्ग एंड 1035 आर्मस्ट्रॉन्ग ओनली ओनली फुल स्टॉप। एज्यूम दैट एटम हैव ओनली टू एक्साइटेड स्टेट, हैव टू एक्साइटेड स्टेट एंड द डिफरेंस बिटवीन टू एंड डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव एनर्जी लेवल कंसेक्यूटिव एनर्जी लेवल डिक्रीजेस, कंसेक्यूटिव एनर्जी लेवल डिक्रीजेस, टेकिंग द एनर्जी ऑफ हाईएस्ट लेवल, टेकिंग द एनर्जी ऑफ हाईएस्ट लेवल टू बी जीरो, फाइंड द एनर्जी ऑफ ग्राउंड स्टेट, फाइंड द एनर्जी ऑफ ग्राउंड स्टेट, फाइंड द एनर्जी ऑफ ग्राउंड स्टेट एंड फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट एंड फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। तो पहले बच्चों बात को ध्यान से समझो यहाँ पे। ठीक है, अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूँ, ठीक है, ये क्वेश्चन नो डाउट हमारा बेस्ड बोस मॉडल के ऊपर ही है, तो आप थोड़ा ध्यान से समझो कि एक गैस एमिट्स अ रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ दिस एंड दिस दिस, मतलब 460 आर्मस्ट्रांग है और कौन सा एमिट कर रहा है, 828 आर्मस्ट्रांग है और 1035 आर्मस्ट्रांग, ये तीन वेवलेंथ वो एमिट कर रहा है, मतलब तीन तीन जंप मिलेंगे उसको, मतलब ठीक है, मतलब अगर कहानी मैं सोचूं तो कुछ इस तरीके से होगी। दूसरा क्या बोल रहा है, ये तीन वेवलेंथ जंप किया, दूसरा क्या बोल रहा है बेटा कि इट हैव ओनली टू एक्साइटेड स्टेट। बात को समझो, टू एक्साइटेड स्टेट का मतलब ये हो सकता है एक तो ग्राउंड स्टेट होगा, तो पहला ऑर्बिट तो भैया उसका ग्राउंड स्टेट है, दूसरा ऑर्बिट उसके पास क्या हो जाएगा n इक्वल टू टू, और तीसरा हो जाएगा n इक्वल टू थ्री। इट हैव ओनली टू एक्साइटेड स्टेट और हाईएस्ट e3, हाईएस्ट उसने किसको माना, e3 को ही माना। तो देखो क्या बोल रहा है, टेकिंग द एनर्जी ऑफ हाईएस्ट लेवल टू बी जीरो, मतलब जो e3 होगा वो ऑलरेडी मेरा क्या होगा, जीरो होगा, अगेन ये E2 होगा, अगेन ये मेरा E1 होगा। ठीक है, मतलब तीन जंप कुछ इस तरीके से होंगे, या तो 3 से 1 गया होगा बेटा, या तो 3 से 2 गया होगा, या तो 2 से 1 गया होगा। अब आपको बेटा यहीं पे पहचानना है कि कौन सा जंप में कौन सा वेवलेंथ बिलोंग करता है, या किस एनर्जी या किस इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन में कौन सा वेवलेंथ है। तो प्यारे बच्चों ध्यान से समझो, नो डाउट 460 आर्मस्ट्रांग ये क्या है, मिनिमम है, मिनिमम वेवलेंथ है, तो ये मैक्सिमम एनर्जी देगा आपको, ये आपको क्या देगा, मैक्सिमम एनर्जी। तो आई होप सो यहां तक आपको बात समझ में आ रही है, इसका मतलब ये एनर्जी डिफरेंस सबसे ज्यादा है तो वेवलेंथ सबसे हाँ कम होगा इसका, वेरी गुड, ये 460 आर्मस्ट्रांग होगा। ठीक है, दूसरा बात अब समझो यहाँ पे कि उसने क्या बोला है कि अब दो वेवलेंथ और बचे हैं, अब आपको डिसाइड करना इन दोनों में 828 कौन सा होगा, 1035 कौन सा होगा। तो हमने पहले भी पढ़ा था E2 minus E1 is should be less than E3 minus E2,
ये हमें पहले से पता है, मतलब ये एनर्जी डिफरेंस ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू ये एनर्जी डिफरेंस, और अगर ये एनर्जी डिफरेंस ज्यादा तो इसका वेवलेंथ कम होगा, जिसको मैं लिख सकता हूँ 828 आर्मस्ट्रांग का ये होगा और ये 1035 आर्मस्ट्रांग का ये होगा। तो पहले बच्चों को यहाँ तक बात समझ में आ रही है। तो चलो अब इसको सॉल्व कैसे करना, मुझे निकालना है ये तो पता चल गया E3 आपका जीरो होगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। अब आपका आपका मेन फोकस E2 और E1 पे। तो चलो एक तो मैं कर सकता हूँ ये कि सपोज करो E3 माइनस E1 ऑब्वियस बात है एक एनर्जी डिफरेंस है, और कोई भी एनर्जी क्या होगी, मतलब ये जो एनर्जी डिफरेंस है ये किसके एनर्जी बता रहा है, ये पैकेट्स की एनर्जी बता रहा हूँ। कोई भी पैकेट्स की एनर्जी हम किसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं, एससी बाय लैम्डा के फॉर्म में, या डेल्टा ई को भी हम एससी बाय लैम्डा के फॉर्म में लिख सकते हैं। एससी बाय लैम्डा लिखूं क्योंकि यहाँ पे वेवलेंथ आर्मस्ट्रांग में है, तो ऑब्वियस बात है मैंने आपको कल एक फॉर्मूला दिया था 1240 बाय 460 आर्मस्ट्रांग, तो दिस और दिस कैंसिल, E3 ऑलमोस्ट क्या हो जाएगा आपका जीरो हो जाएगा। तो E1 जो होगा मेरे हिसाब से E1 जो होना चाहिए 27 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होना चाहिए, 27 आएगा ये, राइट मेरे हिसाब से तो ये 27 ही आना चाहिए, हाँ राइट 27 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा ये कैलकुलेशन से, ठीक है। तो दिस इज एनर्जी ऑफ द ग्राउंड स्टेट, ये किसकी एनर्जी है, ग्राउंड स्टेट की एनर्जी है। अब आपका फोकस किस में होना चाहिए, E2 को निकालने के लिए। तो सिंपल सा फंडा, दो इक्वेशन, दो एक वेरिएबल, मतलब E2 माइनस E1 कर दूं मैं और एक कर दूं E3 माइनस E1, ठीक है। E2 माइनस E1 को क्या लिख सकता हूं मैं, जल्दी बोलो प्यारे बच्चों, SC बाय इसको लिख दो, E2 माइनस E1 का SC बाय लैम्डा मतलब 828 और ऊपर क्या चला जाएगा 1035 बाय SC, आप ऐसे भी कर सकते हो, दिस और दिस कैंसिल, E3 मेरा ऑलरेडी क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा, E1 आपको पता ही है, तो E1 पता ही है यहां पे, तो E2 आ ही जाएगा ऑलमोस्ट मेरा। तो अब से यहां से हम क्या कर सकते हैं, E2 कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस टाइप के आपके क्वेश्चन बन सकते हैं एडवांस में, नीट में बच्चे अगर ये क्वेश्चन छोड़ भी देंगे तो कोई इशू नहीं है, बट एक बार कर लोगे तो नॉलेज लेने में कोई बुराई नहीं है, ठीक है। देखो आज जो हम करने वाले हैं वो काफी इंपॉर्टेंट सेशन है मेरा, ठीक है, वो है आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी वैसे डिटेल में तो मैं आपको पीरियडिक टेबल में पढ़ाऊंगा, लेकिन आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, आखिर एटॉमिक स्ट्रक्चर में या बोर्स ऑर्बिट में के प्रॉब्लम में इसको कैसे यूज कराया जाता है, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं इसके ऊपर। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक जो है वो है आयनाइजेशन एनर्जी का, ठीक है। तो नोट बना के एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बता देता हूँ, आयनाइजेशन एनर्जी मतलब ये डेफिनेशन ही बता रहा हूँ मैं, द एनर्जी required to remove an electron completely from ground state, completely from ground state without having kinetic energy. The energy required to remove an electron completely from the ground state from its atom is called ionization energy, या इसको हम ionization potential भी बोलते हैं बेटा, तो confuse मत करिए, कहीं कहीं ionization potential भी दिया हुआ है, तो एक ही मतलब होता है इसका। कहने का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन को मैं इतनी एनर्जी सफिशिएंट दूं ग्राउंड स्टेट पे ताकि वो कहां जंप कर जाए, एटम के बाहर निकल जाए। अगर आपको नहीं समझ में आया तो यहां सिनेरियो समझो कि सपोज करो ये आपका न्यूक्लियस और ये ग्राउंड स्टेट है मेरा, आपको पहुंचाना कहां पे, इन्फिनाइट पे पहुंचाना, आपको कहां पहुंचाना है, इन्फिनाइट में, मतलब आपको सिर्फ इलेक्ट्रॉन को इतनी ही एनर्जी देनी है कि यहां पे आते ही काइनेटिक एनर्जी उसका क्या होना चाहिए, जीरो। देखो बार बार मैं समझा रहा हूं, यहां पे पहुंचते ही इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा बट उसके पास कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं रहेगी, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। तो यही एनर्जी डिफरेंस आपको देना है, तो मैं लिख सकता हूं E इनफाइनाइट माइनस E1, ठीक है, या आप ऐसे भी लिख सकते हो कि माइनस 13.6 इंटू जेड स्क्वायर 1/N1 स्क्वायर, मतलब 1/N1 स्क्वायर को 1 स्क्वायर माइनस 1/N1 स्क्वायर, तो जीरो हो गया, ये जीरो हो गया, तो माइनस E1 माइनस माइनस प्लस हो गया, तो E1
आई क्या मैं इसी एनर्जी को आयनाइजेशन एनर्जी लिख सकता हूँ 13.6 Z² ये आयनाइजेशन एनर्जी का फॉर्मूला होता है। इसका मतलब व्हाट इज द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम, वेरी गुड, Z इक्वल टू 1 मतलब 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। व्हाट इज द हाइड्रोजन ऑफ हीलियम प्लस एटम इनटू 4 से मल्टीप्लाई करते दैट विल बी योर आयनाइजेशन एनर्जी। तो आई होप सो आपको यहां तक प्यारे बच्चों सबको समझ में आ रही है कि आपको मैं क्या समझाना चाह रहा हूं कि आपको ग्राउंड स्टेट में वो इतनी ही एनर्जी अब्सॉर्ब करेगा ताकि वो एटम के जस्ट बाहर निकल सके विदाउट हैविंग एनी काइनेटिक एनर्जी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब वो एटम के बाहर निकलेगा उसकी वेलोसिटी क्या रहेगी, जीरो रहेगी। तो आई होप से यहां तक आपको प्यारे बच्चों यहां तक सारी बातें समझ में आए। अब देखो इसमें क्वेश्चंस बहुत बनते अच्छे लेवल के कि आखिर आयनाइजेशन एनर्जी तो आपको यूज कैसे कराएगा। तो कुछ 4-5 क्वेश्चन हम करेंगे, तो 6-7 क्वेश्चन करेंगे अप्रोक्सीमेटली। तो प्लीज जो नीट के स्टूडेंट भी देख रहे होंगे स्टार्टिंग के आपको सिर्फ 4 क्वेश्चन करने, लास्ट के 2 क्वेश्चन आर ऑफ एडवांस लेवल। तो आप लास्ट के 2 क्वेश्चन नीट वाले छोड़ भी देंगे तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चंस करते हैं बेटा हम लोग यहाँ पे। तो आयनाइजेशन एनर्जी अगेन क्या होता है, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स ग्राउंड स्टेट कंप्लीटली फ्रॉम द एटम इज नथिंग बट आयनाइजेशन एनर्जी। तो लेट्स डू वन क्वेश्चन अगेन, ठीक है। अब हम 2-3 क्वेश्चन एक साथ देखूंगा मैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, द फाइंड द टोटल एनर्जी। तो ले की रिपीटेशन ही है ये, फाइंड द टोटल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी of an electron in first and second orbit of hydrogen atom, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, an electron in the ground state and electron in the ground state, an electron in the ground state of H atom gains 1.5 times the energy required for its complete removal from atom, what will be the velocity of electron after coming out of atom, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, the bond energy of hydrogen is 430 kilojoule per mole. Is 430 kilojoule per mole if H2 is exposed to radiation of wavelength lambda कितना है, 253.7 nanometer, what will be the kinetic energy of H atom, what will be the kinetic energy of H atom? Question number 4, question number 4,
मैक्सिमम एंड मिनिमम वेवलेंथ ऑफ लाइन ऑक्टेन इन हीलियम प्लस ऑफ लाइमन सीरीज। ठीक है, ओके। तो चलो पहले ये चार क्वेश्चन हम करते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद जो मैं कराऊंगा बेटा वो सिर्फ जेई लेवल एडवांस लेवल का होगा, तो वो आप नीट वाले बच्चे नहीं भी करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, तो चलो इसके बाद जो हम क्वेश्चन करने वाले इनके ऊपर कि फाइंड द टोटल एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट एंड सेकंड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो बेटा याद करिए फर्स्ट ऑर्बिट का इनिशियल एनर्जी कैसा निकाल देते हम, -13.6। हां जल्दी बोलिए, इनटू जेड स्क्वायर कितना, 1/1 स्क्वायर, मतलब -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब याद करिए मैंने आपको लास्ट सेशन के लास्ट सेशन में कराया था कि टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू मॉड ऑफ टोटल एनर्जी, मतलब जो टोटल एनर्जी की वैल्यू होगी वही काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू होगी, और पोटेंशियल एनर्जी इज ट्वाइस ऑफ टोटल एनर्जी, मतलब विथ मैग्नीट्यूड। मतलब बात को समझिए, काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी का मैग्नीट्यूड सेम होता है, और पोटेंशियल एनर्जी ट्वाइस ऑफ टोटल एनर्जी विथ इंक्लूडिंग साइन। तो यहाँ पे समझिए बात को, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो डायरेक्ट हम कर भी सकते हैं कि E1 बराबर मेरा कितना हो गया 13.6, तो वेरी गुड। तो KE1 मेरा कितना हो जाएगा, KE1 मेरा हो जाएगा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और पोटेंशियल एनर्जी मेरा हो जाएगा -2 × 13.6, मतलब ये हो जाएगा 27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, अगर मैं बात करूं E2 की, तो E2 मेरा कितना हो जाएगा -13.6/1/4, तो -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लेकिन अगर मैं काइनेटिक एनर्जी 2 की बात करूं तो ये अप्रोक्सीमेटली कितना हो जाएगा, अगेन ये 3.4 ही रहेगा, और अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी की बात करूं तो -2 × 3.4, दैट इज नथिंग बट -6.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन। अगेन मैं पहले बच्चों आपको फिर से बोल रहा हूँ, आपको पहले पॉज करना है, खुद से अटेम्प्ट करना है, नहीं बनेगा फिर आपको देखना है, क्योंकि ये ऑनलाइन है तो चलो मैं यहाँ पे रुक नहीं सकता हूँ, वी डोंट हैव सफिशिएंट टाइम, क्योंकि वीडियो की लेंथ बड़ी हो जाएगी उससे कोई फायदा नहीं है, इसलिए मैं आपको डायरेक्ट सॉल्यूशन बता रहा हूँ, लेकिन जैसे मैं क्वेश्चन खत्म करूंगा आपका काम ये होगा पॉज करके जस्ट ट्राई योरसेल्फ। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है मेरा, देखो यहाँ पे An electron in the ground state of hydrogen atom gains 1.5 times the energy required for its complete removal from atom. What will be the velocity of electron coming out of the atom? तो याद करिए मैंने आपको NSN energy की definition दी थी कि भैया अगर मान लो कोई electron यहाँ पे n equal to 1 पे है और n equal to infinite पे जाएगा, और यहाँ से यहाँ जब आता है और ये जो difference की जो energy उसको चाहिए उसी को NSN energy बोलते हैं, और इस पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, जीरो होती है। लेकिन अगर यही केस सिमिलर हो, लेकिन एनर्जी यहां उसने जो ऑब्जर्व किया 1.5 टाइम्स एनएसएन एनर्जी ऑब्जर्व किया है, और इसको जाना कहां पे, एटम के बाहर जाना, मतलब यहां तक तो वो एक एनएसएन एनर्जी यूज कर लेगा, क्या यहां पे इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी क्या, सोचिए आप। अगर आप नहीं सोच पा रहे तो मैं आपको ऐसे समझाता हूं कि सपोज करिए 1 से लेकर इनफाइनाइट जाने के लिए आपको 10 जूल की रिक्वायरमेंट है, कितने जूल की रिक्वायरमेंट है, 10 जूल की, लेकिन मैंने आपको 15 जूल दिया, अगर आपके पास सिर्फ 10 जूल होता तो यहां पे आने के बाद आपकी काइनेटिक एनर्जी क्या होती थी, जीरो होती थी, लेकिन आपने 10 जूल तो यहां खर्च कर दिया, स्टिल यू हैव कितना 5 किलो जूल, राइट, मतलब हाफ ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी। तो इसका मतलब क्या मैं यहां बोल सकता कि जो काइनेटिक एनर्जी यहां पे होगा वो किसके बराबर होगा, 0.5 टाइम्स ऑफ आयनेशन एनर्जी, भैया डेढ़ गुना था उसके पास, एक आयनेशन एनर्जी इधर खर्च कर दिया और 0.5 एनर्जी अगेन उसके पास है, मतलब वही काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगी। अगेन काइनेटिक एनर्जी बराबर मेरा क्या होगा, 0.5 13.6, ये फॉर्मूला होता है। जेड स्क्वायर किसका निकालना भैया मुझे, अगेन हाइड्रोजन का निकालना, तो 1, ठीक है, 0.5 13.6, क्योंकि इलेक्ट्रॉन वोल्ट में तो 1.6 × 10⁻¹⁹ जूल में कर देता हूं, चलो इसको मैं, ठीक है, और ये अगेन हो जाएगा हाफ एमवी स्क्वायर 0.5 13.6
इनटू 1.6 10 रेस्ट टू माइनस 19, तो 0.5 और हाफ कैंसिल हो जाएगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको पता ही है, तो वी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 13.6 1.6 इनटू 10 रेस्ट टू माइनस 19 अपॉन 9.1 10 रेस्ट टू माइनस 31 मीटर पर सेकंड आएगा बेटा। आई बात समझ में आ रहा बच्चों? तो इसका मतलब आप आगे कैलकुलेशन कर सकते हो, यहां तक मेरा काम खत्म हो गया, तो यहां से हम वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहां तक अच्छा क्वेश्चन था थोड़ा, ठीक है, इसको समझने की कोशिश करिए था। अब देखो अगेन मैं बोल रहा हूँ बॉन्ड एनर्जी वाले क्वेश्चन बहुत बन रहे हैं, बहुत मैं आपको बता भी रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 4 की अगर मैं बात करूँ तो देखिए क्या बोल रहा है, बॉन्ड एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन आपको दिया हुआ है और हाइड्रोजन किसी एक ऐसे लाइट के एक्सपोज में आता है जिसकी वेवलेंथ समथिंग दी हुई है 253.7 नैनोमीटर, तो बोलिए काइनेटिक एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम कितनी होगी। तो आपको ऐसे बस एक ऐसे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि सपोज करो ये कांच का एक कोई ग्लास है, ठीक है, आपने उतनी ही एनर्जी मान लो हथौड़ा मारा, लेकिन उतना ही मारा ताकि मेरा कांच टूट गया। अगर बहुत ज्यादा कस के मारते तो उस कांच को तो बहुत वो उसके टुकड़े टुकड़े बिखर जाते थे। मतलब आपको सपोज करो, कहने का मतलब ये है कि सपोज करो मैंने ये मेरे पास जो कांच का जो शीट है मैंने इस पे हथौड़ा मारा, सपोज उतना ही मारा जितना इसको मैं तोड़ सकूं, तो जब मैंने तोड़ा तो ये टूट गया, मतलब ये यहीं पे रहेगा, इसके जो पीसेस होंगे वो यहीं पे रहेंगे। लेकिन आपने बहुत कस के मारा इसको तो क्या होगा, टूटेगा भी और साथ में बिखरेगा भी। मतलब आपने एनर्जी तो दी तोड़ने के लिए भी, बट उससे भी ज्यादा एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई, और जो रेस्ट ऑफ एनर्जी तो किस में कन्वर्ट हो गई, काइनेटिक एनर्जी में। तो सेम फंडा यहां पे भी होगा बेटा कि मान लो अगर आपने उतनी ही एनर्जी दी जितनी बॉन्ड एनर्जी के बराबर दी तो वो टूटेगा जरूर, लेकिन वो उसके पास कोई मोमेंट नहीं होगा, मतलब उस केस में काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, जीरो होगी, ठीक है। तो पहले आपको ये चेक करना पड़ेगा आखिर भैया देखो कि कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है। तो बात को समझो, यहाँ पे अगेन आपको यूनिट का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे जो बॉन्ड एनर्जी है वो पर मोल में दी हुई है। तो आपको पहले क्या करना पड़ेगा, बॉन्ड एनर्जी ऑफ 1H2 मॉलिक्यूल कि 1H2 मॉलिक्यूल की बॉन्ड एनर्जी कितनी होगी, तो 1H2 बॉन्ड एनर्जी मॉलिक्यूल कितनी होगी बेटा जल्दी बताओ, 430/6.023 इनटू 10 का पावर 23 किलो जूल में, तो जूल में कन्वर्ट कर दो 3, तो मेरे हिसाब से अप्रॉक्स में 7 इनटू 10 रेस टू माइनस 19 जूल है, अप्रॉक्सिमेटली बोल रहा हूं मैं, ठीक है। तो दिस इज द बॉन्ड एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम, मतलब सिचुएशन कुछ इस तरीके से होगी कि मान लो ये और ये हाइड्रोजन एटम है, ये कोई पैकेट्स है और ये इसके पास जाकर टकराया कोलाइड किया, तो जब ये कोलाइड करेगा मान लो इसके पास सफिशिएंट इतनी एनर्जी है कि इसको तोड़ दिया, तो ये यहाँ पे दो हाइड्रोजन एटम में कन्वर्ट हो जाएगा। बात को समझना, अगर एनर्जी बॉन्ड एनर्जी से ज्यादा होगी तो हाइड्रोजन एटम के पास काइनेटिक एनर्जी होगी, अगर नहीं होगी तो समझो काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी। तो लेट्स चेक इट आउट कि है कि नहीं, वो तो अब हम देख लेंगे। तो 7 into 10 raised to minus 19 जूल आया मेरा क्या बॉन्ड एनर्जी ऑफ वन हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। नाउ सपोज दैट क्या बोल रहा है कि अब इस पैकेट्स के पास एनर्जी भी है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, SC by lambda के फॉर्म में लिख सकते हैं क्योंकि ये नैनोमीटर में है, तो याद करें मैंने आपको फॉर्मूला दिया था 1240/253.7 नैनोमीटर के फॉर्म में, हम 1240/lambda नैनोमीटर के फॉर्म में लिखते हैं और 1240/lambda आर्मस्ट्रांग हम ये आर्मस्ट्रांग के फॉर्म में एनर्जी को फॉर्मूला लिखते हैं। तो दिस इज दैट, तो यहां पे एनर्जी आएगी ये आ जाएगी 7.83 10 रेस टू माइनस 19, ओके अप्रोक्सीमेटली यही आंसर होगा इसका, 7.83 10 रेस टू माइनस 19 जूल में आ जाएगा क्योंकि अब ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ना, तो इसको 1.6 10 रेस टू माइनस 19 से भी मल्टीप्लाई कर दो ताकि आपका ये आंसर जूल में आ जाए। तो पहले बच्चों आपको यहां तक पूरी बात समझ में आ रही होगी कि मैंने कैसे किया, अगेन मैं नीचे लिख देता हूं यहां पे, मैंने 1240 को 253.7 से मल्टीप्लाई करके 1.6 * 10 रेस टू माइनस 19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में था उसको जूल में कन्वर्ट कर दिया, ये अप्रोक्सीमेटली 7.83 * 10 रेस टू माइनस 19 जूल। तो अब सपोज करो देन व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी, ऑब्वियसली बात है ये एनर्जी बॉन्ड एनर्जी से तो मेरी ज्यादा है, तो 7 * 10 रेस टू माइनस 19 खर्च हो जाएगा किसमें, तोड़ने के लिए, तो बचा काइनेटिक एनर्जी कितना 0.83 10 रेस टू माइनस 19, तो दिस इज योर काइनेटिक एनर्जी। लेकिन दो बातें बेटा, यहां पे काइनेटिक एनर्जी दो हाइड्रोजन के लिए होगी, तो कभी-कभी ऑप्शन में आपको 0.83 भी देगा और आप यहीं पे फंस जाओगे, तो यहां पे ध्यान रखना यहां पे मुझे काइनेटिक एनर्जी दो हाइड्रोजन के लिए मिलेगी, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ वन हाइड्रोजन एटम कितना होगा,
और वन एच कितना होगा, 0.83 बाई 2 इंटू 10^-19। तो आई होप से यहां तक आपको सारी बातें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। दिस इज अवर क्वेश्चन नंबर 4। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। नाउ
नेक्स्ट क्वेश्चन इज आवर क्वेश्चन नंबर 7. Suppose potential energy between electron and proton at a separation of R is given by U equal to minus K log R, U equal to minus K log R, where K is a constant, for such hypothetical atom, calculate the radius of nth Bohr's orbit and its total energy. ठीक है प्यारे बच्चों, now नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्या? ये देखो, कंसीडर अ हाइपोथेटिकल एच एटम. देखो बहुत, ये दोनों क्वेश्चन अपने आप में देखो नोट आउट, बहुत अच्छे क्वेश्चन है ये. ठीक है, तो आपको ये समझना होगा कि आखिर इनको अटेम्प्ट कैसे किया जाए. ठीक है, तो पहले तो आप अपने मन से अटेम्प्ट करिए. ठीक है, और अगर हो गया होगा तो चलिए चेकआउट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन 6 का सॉल्यूशन क्या बोल रहा है कि अ कंसीडर हाइपोथेटिकल एच लाइक एटम द वेवलेंथ इन आर्मस्ट्रांग फॉर अ स्पेक्ट्रल लाइन फ्रॉम n इक्वल टू p टू n इक्वल टू 1 आर गिवन बाय लैम्डा दिस एंड दिस. ठीक है, मतलब संजो कंडीशन कुछ इस तरीके से होगी. मान लो n इक्वल टू 1 यहां पे है और n इक्वल टू p कुछ यहां पे है. ठीक है, अब बोल रहे इलेक्ट्रॉन p से 1 की तरफ जा रहा है. इलेक्ट्रॉन अगर मेरा p से 1 की तरफ जा रहा है तो वेवलेंथ मुझे जो ऑब्टेंड हो रहा है वो हो रहा है 1500 p स्क्वायर बाय p स्क्वायर माइनस 1. ठीक है, क्या मैं इसको इस फॉर्म में लिख सकता हूं? ठीक है, अब ये तो हो गया मेरा. आप ऐसा भी कर सकते हो इसको, जो ep माइनस e1 होगा, सपोज करो ep माइनस e1 जो होगा, क्योंकि लैम्डा आर्मस्ट्रांग के फॉर्म में दिया है, तो मैं कर सकता हूं इसको 12400 बाय 1500 p स्क्वायर माइनस 1, क्योंकि s 12400 बाय लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू मुझे पता है आर्मस्ट्रांग में दी हुई है. इस तरीके से क्या मैं इसको इस फॉर्म में लिख सकता हूं? तो ep माइनस e1 जो होगा मेरा, मतलब ये जो एनर्जी डिफरेंस होगा, ये हो जाएगा, इसको मैं लिख सकता हूं 8.27 अप्रोक्सीमेटली में ये जाएगा शायद, हां, डिवाइडेड 1 माइनस 1 बाय पी स्क्वायर, ये कुछ इस तरीके से आएगा. सपोज करो अगर मैंने माना, ये तो मेरा जनरल एक्सप्रेशन है, मुझे नहीं पता कि पी कौन सी वैल्यू, तो ये मैंने जनरल एक्सप्रेशन ही माना ये पी से लेकर 1 तक का. लेकिन सपोज करो अगर पी मेरा इनफाइनाइट है, इफ सपोज करो पी मेरा इनफाइनाइट हुआ, तो नो डाउट ईपी माइनस ईवन में ईपी तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा. तो इसको मैं लिख सकता हूं 8.27 1 माइनस 1 बाय इंफिनिटी स्क्वायर, तो ये भी जीरो हो गया. तो एनर्जी ग्राउंड स्टेट की मुझे कितनी मिलेगी, माइनस 8.27. तो आइनेशन पोटेंशियल की बात करूं तो आइनेशन पोटेंशियल मेरा क्या हो जाएगा, ईपी माइनस इंफिनिटी माइनस ईवन, इंफिनिटी मेरा क्या हो गया, जीरो, माइनस ईवन को मैं क्या लिख सकता हूं, प्लस, यहां पे लिख सकता हूं ना, ईवन प्लस हो जाएगा. तो ये क्या लिख सकता हूं, प्लस 8.27 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो ये मेरा सेकंड क्वेश्चन तो आ गया. अब आप बोलोगे सर कि मैक्सिमम और मिनिमम कैसे निकालेंगे, सिंपल सा पंडा भैया, उसने रेंज कहां से कहां दी हुई, 2 से इंफिनिटी, तो 2 पे आपको क्या मिलेगा, मिनिमम और इनफाइनाइट, सॉरी इनफाइनाइट, इनफाइनाइट पे एनर्जी ज्यादा होती है, वेवलेंथ क्या होगी, कम, और 2 पे एनर्जी कम होती है, तो वेवलेंथ क्या होगी, ज्यादा होगी. तो अगेन लैम्डा मैक्सिमम मेरा क्या होगा, लैम्डा मैक्सिमम जल्दी बोलो क्या होगा मेरा, हां क्या होगा, लैम्डा मैक्सिमम होगा जब 1500, ठीक है, पी स्क्वायर बाय 1 माइनस पी स्क्वायर, सॉरी पी स्क्वायर माइनस 1, पी स्क्वायर माइनस 1, तो 1500 इनटू पी को मैं क्या पुट कर दूं, 2 पुट कर सकता हूं, तो 1500 2 स्क्वायर बाय 2 स्क्वायर माइनस 1,
टू स्क्वायर माइनस वन, ठीक है, तो ये फाइव टाइम चलाएगा पार्ट वन, मतलब जो लैम्डा जो मैक्सिमम आपको मिलेगा वो 2000 आर्मस्ट्रॉन्ग मिलेगा, और लैम्डा मिनिमम कब मिलेगा आपको, लैम्डा मिनिमम मिलेगा इनफाइनाइट पे, तो इसको आपको चेंज करना पड़ेगा इनफाइनाइट के लिए, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1500 बाय 1 माइनस 1 बाय पी स्क्वायर, ऐसा कर सकता हूँ, पी स्क्वायर दोनों को डिवाइड कर दिया तो ये आपको 1500 आर्मस्ट्रॉन्ग मिलेगा। अगर मैं आपको बोलूंगा ये 4 पे क्या होगा, कुछ नहीं 4 पे वैल्यू पुट करो यू विल गेट योर आंसर, 3 पे क्या होगा, पी के वैल्यू 3 पुट करो यू विल गेट योर आंसर, तो इस तरीके से हम लैम्डा निकाल सकते किसी भी चीज का, बस कंफ्यूजन करने के लिए आपको यहां पे बस दे दिया जनरल एक्सप्रेशन का भी है, कुछ नहीं था ये यूज, ठीक है, यहीं से स्टोरी यहीं पे था, मेन स्टोरी यहीं पे था, ठीक है। नाउ Our next question is, suppose the potential energy of between electron and proton at a separation of r is given by, suppose करो यहाँ पे भैया proton और यहाँ पे मेरा क्या है electron है और यहाँ पे r distance पे है, देखो अब ये Bohr's, जिसने Bohr's का बहुत अच्छे से पढ़ा होगा derivation तो उसके लिए तो बहुत आसान है, तो याद करिए मैंने आपको एक चीज बताया था कि फोर्स को हम लिखते हैं k q1 q2 by r square और पोटेंशियल एनर्जी को हम क्या लिख सकते हैं माइनस के Q1, Q2 by R, तो याद होगा मैंने आपको बताया था कि du by dr जो होगा वो किसके बराबर हो जाता है माइनस ऑफ F के बराबर हो जाता है, ये याद रखना बेटा ये फॉर्मूला, बाकी डिटेल में तो आप इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ोगे, नहीं भी समझ में आ रहा तो मैं आप समझा दे रहा हूँ, 1 by R का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस 1 by R square, तो माइनस 1 by R square तो क्या हो जाएगा प्लस F, अब आप सोचेंगे सर यहाँ माइनस F क्यों लगाया, तो सिंपल सा बन रहा है बेटा फोर्स कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो मान लो अगर ये दोनों एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होता है, ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा और अगेन अगर डिफरेंशिएशन करोगे तो आपको क्या आ जाएगा माइनस ऑफ एफ आएगा, इस माइनस ऑफ एफ को बचाने के लिए मैंने ऑलरेडी पहले से ही माइनस ऑफ एफ लगा दिया है ताकि मेरा फोर्स हमेशा किसमें है पॉजिटिव वैल्यू में है। चलो यहां तक तो बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है, अब इसमें करना क्या होगा आपको ध्यान से समझो, ठीक है, आपको करना ये होगा कि सपोज करो ये तो पोटेंशियल एनर्जी आपको दी हुई है कि भैया पोटेंशियल एनर्जी ये है, तो अगर मैं बात करूं आपको पोटेंशियल एनर्जी दिया हुआ माइनस ऑफ के लॉग ऑफ आर इस फॉर्म में दिया हुआ है, ठीक है, तो अगर मैं डी यू बाय डी आर लिखूं तो डी यू बाय डी आर मेरा क्या हो जाएगा माइनस के बाय आर ये होगा, और इसी को माइनस ऑफ एफ लिख सकता हूँ, डी यू बाय डी आर को क्या मैं माइनस एफ लिख सकता हूँ, तो फोर्स की जो वैल्यू यहां से मुझे मिल रही है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की जो वैल्यू मिल रही है के बाय आर के फॉर्म में मिल रही है, पहली बात। दूसरी बात, मैंने बोर्स में पढ़ा था कि ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है किसके द्वारा बैलेंस होता है बेटा, किसके द्वारा होता है जल्दी बोलिए, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, वेरी गुड, तो क्या के बाय आर को मैं एम वी स्क्वायर बाय आर लिख सकता हूँ, आर आर कैंसिल हो जाएगा दोनों तरफ एम मल्टीप्लाई किया मैंने तो Km बराबर मुझे क्या मिलेगा m square v square, तो mv बराबर मुझे क्या मिलेगा root Km, तो स्टोरी यहाँ पे खत्म नहीं होती है अगेन, क्यों, क्योंकि देखो उसने किसका डिस्कशन किया, इसने बोर का डिस्कशन किया, बोर ऑर्बिट का डिस्कशन किया, तो इसका मतलब मैं mvr equal to nh upon 2 pi भी लिख सकता हूँ मैं, ठीक है, mv मुझे पता है तो rn की वैल्यू क्या हो जाएगी nh by 2 pi r under root of Km, तो दिस इज रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट, कुछ नहीं किया mv के वैल्यू नीचे ले गया, mv के वैल्यू रूट किया हम, तो यही rn ऑफ रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट होगा। अब मुझे पता है टोटल एनर्जी कैसे निकालते हैं, टोटल एनर्जी कुछ नहीं निकालते, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक है mv स्क्वायर आपको पता ही है, ठीक है, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी कितना है मेरे पास जल्दी बोलिए और काइनेटिक एनर्जी कितना है, तो काइनेटिक एनर्जी को मैं क्या लिख सकता हूं, अच्छा चलो ये भी नहीं कर सकते, क्या मैं टोटल एनर्जी को पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी ओके सॉरी एनर्जी ऐसे लिखते हैं काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी तो अगेन मेरा क्या हो जाएगा हाफ एम बी स्क्वायर, हाफ एम बी स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी मेरा क्या हो जाएगा माइनस ऑफ के लॉग आर, माइनस ऑफ के लॉग आर। अब देखो पोटेंशियल एनर्जी को मैं ऐसा कर सकता हूँ एम बी स्क्वायर को के बाई आर के बराबर कर सकता हूँ, या चलो के ही लिखते हैं, हाँ एम बी स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ के के बाई टू, के बाई टू लिख सकता हूँ माइनस ऑफ के लॉग आर, आर की जगह मैं क्या कर सकता हूँ एन एच बाई टू पाई अंडर रूट के एम, ठीक है,
दिस इज योर टोटल एनर्जी, ठीक है, दिस इज नॉट अ फॉर्मूला, बेसिकली ये क्वेश्चन ऐसा फॉर्मेट बना के आपको दे सकता है, तो कभी भी याद रखना है इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करना, आपको पोटेंशियल एनर्जी निकालना, पोटेंशियल एनर्जी को किसके बराबर करना, आपको फोर्स के बराबर करना, और उस फोर्स से आपको किसके बराबर करना, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को, और एक बार सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का आपने उसके बराबर किया तो एमवीआर इक्वल टू एनएच अपॉन 2 पाई, यही दो क्वेश्चन होता है, यहां से हम रेडियस ऑफ एनथ ऑर्बिट भी निकाल सकते हैं, यहां से हम एनर्जी ऑफ एनथ ऑर्बिट भी निकाल सकते हैं। तो आई होप सो आपको यहां तक समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 6 और 7 मैं अगेन बोल रहा हूं, जेई नीट वालों के लिए नहीं है, ये बच्चे स्किप कर सकते हैं, उसकी जगह आप मेरे डीपी पे सॉल्व करिए फर्दर अपना टाइम बचाने के लिए। तो अदर जो हम कल जो करेंगे नेक्स्ट क्लास में वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे अब आएंगे, ठीक है। तो आई होप सो यहाँ पे मैंने कंप्लीट डिस्कशन किया बोर्स ऑर्बिट का और आपको अच्छे से समझ में आया, तो अब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, थैंक यू।